Hello everyone, welcome to myteachingrobot.com. Jamia class 11th ka result declare kar chuka hai aur class 11th 2019 ke science stream ka result dekhne ke liye aap Jamia ke site pe jaye, wahan jaakar result pe aap click kare ya fir aap isko google pe jaakar ke bhi search kar sakte hain. JMI.youcanapply.com पे तो मैं आपको अपना रिजल्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के रिजल्ट को फाइंड करने के बारे में बता रही हूँ कैसे करना है और आप कैसे देखें. तो सबसे पहले जब आप क्लिक करेंगे JMI.youcanapply.com पे तो एक पेज खुलकर आ रहा है जिसमें तीन डायलॉग बॉक्स हैं. आपको फर्स्ट सेशन पे जाकर सिलेक्ट करना है और सेशन में आपको देना है यहाँ पे जुलाई 2019 टू जून 2020. नेक्स्ट आएगा प्रोग्राम एंड कैटेगरी, इसमें आपको जाना है और स्कूल पे जाकर क्लिक करना है. नेक्स्ट प्रोग्राम स्लैश कोर्स पे जाना है और हम पढ़ रहे हैं साइंस का रिजल्ट, तो यहाँ पे जाके सर्च करना है. और इसके तीन नोटिफिकेशन आए हुए हैं, एक तो रिज़ल्ट है, दूसरा एडमिशन डेट पहले आया था जो बाद में रिवाइज होकर डेट चेंज हुई. तो इसकी एडमिशन डेट जो है वो रिवाइज डेट जो आई है 20 जून 2019 10 बजे से लेकर 2 बजे दिन तक है. और इसका वेन्यू जो है वो स्कूल लाइब्रेरी है. अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए, वहाँ जो भी प्रोस्पेक्टस में डिमांड किया गया है आप वहाँ जाएँ और जाकर एडमिशन लें. तो फर्स्ट लिस्ट जिनमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, उनका अभी मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ. उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगा, वेट करें. फर्स्ट लिस्ट में जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जनरल कैटेगरी में 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें के हाईएस्ट स्कोर 96 गया है और लोएस्ट स्कोर जो है इसका 92 है. उसी तरीके से मुस्लिम कैटेगरी में 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हाईएस्ट स्कोर जो है वो 92 है और लोएस्ट स्कोर 91 है. मुस्लिम ओबीसी के लिए 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 91 फर्स्ट यानी हाईएस्ट के स्कोर है और 90 जो है लोएस्ट स्कोर है. मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कि 91 हाईएस्ट और 89 लोएस्ट स्कोर है. पीडब्ल्यूडी में 2 कैंडिडेट हैं, 80 हाईएस्ट और लोएस्ट भी 80 ही है. जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 92 जो है वो हाईएस्ट है और 90 वो लोएस्ट स्कोर है. कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 78 हाईएस्ट और 70 जो है वो लोएस्ट है. उसी तरीके से चलते हैं दूसरे स्कूल यानी सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जनरल कैटेगरी में, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 35 एडमिशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं. इसमें हाईएस्ट स्कोर जो है 92 है और इसका लोएस्ट स्कोर जो है 89 है. मुस्लिम कैटेगरी में 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 89 हाईएस्ट है और 88 लोएस्ट स्कोर है. मुस्लिम ओबीसी या एसटी कैटेगरी में 7 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 87 स्कोर जो है वो हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों है. मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में 7 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 87 हाईएस्ट स्कोर है और 85 जो है वो लोएस्ट स्कोर है. पीडब्ल्यूडी में 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें इसने ऑब्टेन किया है 65. पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आ रहा है इनका, 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 78 इसने स्कोर किया है. पीडब्ल्यूडी हियरिंग कैटेगरी में इनका आ रहा है, जिसमें 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है 57 मार्क्स पे. और पीडब्ल्यूडी में ही हार्ड ऑफ हियरिंग कैटेगरी में भी 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जिनका स्कोर आया है 46. जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 87 हाईएस्ट स्कोर और 84 लोएस्ट स्कोर है. कश्मीर माइग्रेंट में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हाईएस्ट 70
और लोएस्ट 47 मार्क्स। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जनरल कैटेगरी में 13 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 94 इसका हाईएस्ट स्कोर है और 89 जो है लोएस्ट स्कोर है। मुस्लिम कैटेगरी में 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिसमें के 89 हाईएस्ट है और 87 जो है लोएस्ट कट ऑफ के। मुस्लिम ओबीसी या एसटी कैटेगरी में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिसमें 87 जो हाईएस्ट है और 86 लोएस्ट स्कोर है। पीडब्ल्यूडी में 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जो इसमें इनका स्कोर गया है 66। उसी तरीके से लो विजन या ब्लाइंडनेस कैटेगरी में भी 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जो 53 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है। जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 87 हाईएस्ट और 86 लोएस्ट है। कश्मीर माइग्रेंट कैटेगरी में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 82 जो है हाईएस्ट स्कोर है और 75 लोएस्ट है। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि सेल्फ फाइनेंस है, इसमें 9 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 90 इसका हाईएस्ट स्कोर गया है और 86 लोएस्ट कट ऑफ है। मुस्लिम कैटेगरी में भी 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सेल्फ फाइनेंस के लिए, 86 लो है और 86 जो है वो हाईएस्ट स्कोर है और 85 लोएस्ट स्कोर है। मुस्लिम ओबीसी में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिनमें हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों ही 84 मार्क्स हैं। मुस्लिम वुमेन में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 85 हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर है। पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी कैटेगरी में 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने ऑब्टेन किया है 54, यानी कि हाईएस्ट स्कोर इसका 54 गया है। जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 82 हाईएस्ट और 82 वो भी लोएस्ट कट ऑफ है। कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जिसमें के 43 इसका कट ऑफ गया है। अब चलते हैं वैसे स्टूडेंट की तरफ जो कि जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है और वो सिलेक्ट हो गए हैं एडमिशन के लिए, लेकिन उनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो उन्होंने स्कूल दिया होगा उसमें सिलेक्शन ना होकर के सेकेंड और आदर थर्ड और फोर्थ जो भी ऑप्शन उनका होगा उसके अकॉर्डिंगली उनको एडमिशन दिया जाएगा। टोटल 94 कैंडिडेट हैं जिनका एडमिशन के लिए जिनको जामिया ने बुलाया है, लेकिन प्रेफरेंस जो है उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होकर के सेकेंड और थर्ड या जो जामिया देगी उसके हिसाब से उनका हुआ है। तो इनका स्कोर जो है वो हाईएस्ट स्कोर है 92 और लोएस्ट जो है वो है 43। तो 20 तारीख को 20 जून को जाएं और एडमिशन अपना लें, बेस्ट ऑफ लक। और जिन बच्चों का सिलेक्शन इस लिस्ट में नहीं हुआ है वो वेट करें सेकेंड लिस्ट का और फिर वहाँ पे एडमिशन लें। थैंक यू।